आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम का संबोधन, बोली बीजेपी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, अडानी मामले पर विपक्षी दलों का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। असम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दौरे से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी। मुलायम सिंह को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, बीजेपी सांसद और शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की। देश में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 24 घंटे में 5,335 नए मामले सामने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बीजेपी आज अपनी 44वां स्थापना दिवस मना रही है, जहां भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन किया गया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह प्रदेश मुख्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर बधाई दी है। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश बजरंग बली की तरह आगे बढ़ा है, बीजेपी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हम कठोर हैं। सुनिए और क्या कुछ उन्होंने कहा है। आज के पवित्र अवसर पर आपको स्मरण करना है, राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं त्योहार के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इनमें से 13 प्रस्ताव पास हुए। बता दें कि इस बैठक में यूपी बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली है। साथ ही उद्योग, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगे हैं। वहीं इस बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही कार्यशाला लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी। बिजनौर में एक 22 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से कला रेत कर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बेटे की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर रात भर हंगामा किया। बता दें कि बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोसी ने पैसे के लेन देन के लिए दुकान से बुलाकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता ने 3 नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है और सभी को फांसी दिलाए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्यारे ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने पैसों की लेन देन को लेकर अंकित की हत्या की थी। चांदपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि अंकित नामक युवक की डेड बॉडी मुकेश की दुकान में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, अंकित के परिजनों को सूचना दी गई। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। मुकेश को हिरासत में लिया गया। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि उसका मृतक अंकित के साथ पैसों का लेन देन था, इसी कारण उसने अंकित को अपनी दुकान पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर औरैया से है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने पुलिस पर अपने बेटे को थाने में टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि चोरी के मामले में बेटे को जबरन थाने ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बीते दिनों में एक मकान में चोरी हुई थी और चोरी के शक में पुलिस ने पीड़ित को पकड़ लिया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर अपने बेटे को पीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। हालांकि SP चारू निगम ने इस आरोप को झूठा ठहराया है और बताया कि बीते कुछ दिनों पहले दिव्यापुर थाने क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस आरोपी युवक को पूछताछ के लिए लाई थी, जिसके बाद युवक की अचानक हालत बिगड़ने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा, क्योंकि युवक नशे का आदि था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं की गई है। सवेरे पकड़ लिया थे लड़का को, बहुत मार पीट करी, पेशाब साफ कर ली वाले, बहुत बेहोश कर दो मार मार के, इतना मारा है, मरे की स्थिति में कर दी ने नोई का। अब जब कह रहे हैं हमारा लड़का चोर नहीं, कहीं चोरी में कोई रिपोर्ट नहीं, जबरदस्ती मार मार कर रोड का चोर बनवा रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग अस्पताल में, दिव्यापुर अस्पताल में। गिरफ्तारी कब की गई थी? सुबह 6 बजे ले आए। किस बात को लेकर गिरफ्तारी? चोरी की इल्जाम लगाया, कोई गवाह नहीं, साबूत नहीं। शाम बच्चे की हालत कैसी है? बहुत हालत खराब, उसकी चोरी इल्जाम लगा दिया पड़ोसियों ने। तो बच्चे को लेके कब आए थे ये लोग? सुबह आए, 5 बजे। जब लेके आए थे तब कंडीशन कैसी थी बेटे की? अच्छा थी, हमारे यहाँ देखा पीछा बंद किया, अच्छा था। हम जब मंदिर बैठ गए किस जगह पे मारा, किस जगह ले गए थाने के अंदर, किस जगह? एक पुलिस की पिटाई का मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला? ये जो खबर चल रही है पुलिस की पिटाई की, ये पूर्णतः गलत है, इसका खंडन किया जाता है। थाना दिव्यापुर में प्रांजलि वाइफ ऑफ रमाकांत ने कल 4 तारीख को एक लिखित तहरीरी सूचना दी थी। अपने घर के बगल में अतुल उर्फ बच्चा सन ऑफ गंगा सिंह, इनके विरुद्ध कि ये घर में कूदे और इन्होंने घर से कुछ सामान चोरी किया है, पैसे जेवरात चोरी किए हैं। इस पे नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया। आज पूछताछ के लिए इनको लाया जा रहा था, तब अभियुक्त अतुल उर्फ बच्चा के मुंह से किसी प्रकार से झाग टाइप आने लगे, तो इन्हें
पीलीभीत में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें से 1 से 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि गेहूं की फसल तैयार हो गई थी, लेकिन किसी अज्ञात के कारण गेहूं में आग लगने से जलकर राख हो गई। वहीं इसके अलावा दूसरे गांव भोबतपुर में भी ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगने से 20 एकड़ की गेहूं जलकर राख हो गई, जिसके चलते झोपड़ी में बैठा एक बच्चा भी झुलस गया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया। राजधानी लखनऊ में युवती की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। हत्या के बाद युवती की शिनाख्त न हो पाए, इसलिए बदमाश ने चेहरे को जला दिया। ग्रामीण ने खेत में जली हुई युवती का शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं युवती का चेहरा जल जाने के कारण पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लगभग सुबह 8 बजे सहरपुर पुलिस को सूचना मिलता है कि सरोरा गांव में एक प्लॉट में एक जला हुआ लड़की का लाश है। सूचना मिलने पर मौके पर हमारा पुलिस फोर्स पहुंचते हैं और कार्रवाई करना शुरू करते हैं। लड़की का चेहरा और बेसिकली अपर एब्डोमेन पे हमको लग रहा है कि दुपट्टा लगा के उसमें आग लगाया गया है, और उनका पहचान छुपाने के लिए बॉडी को हम लोग कानूनी कार्रवाई सब कंप्लीट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाकी इन्फॉर्मेशन पोस्टमार्टम की बात ही हम लोग बता सकते हैं। पुलिस को इस बारे में किस तरह से सूचना मिली, किस तरह जानकारी यहाँ पे ऐसा बॉडी प्लॉट में? जो राजधानी लखनऊ के सैरपुर इलाके में एक युवती की हत्या कर उसको जलाने का मामला सामने आया है। इस वक्त की जो तस्वीर है वो तस्वीर उसी गांव की है जहां पर युवती की हत्या कर लाया गया और उसको एक खाली प्लाट में डालकर जला दिया गया। तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। यहां पर अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आखिर ये युवती कौन थी, हत्या करके यहां पर क्यों लाया गया, अभी इस मामले में कुछ खास ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जिस तरीके से युवती यहां पर मिली थी, जिस तरीके से जली अवस्था में, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके दुपट्टे से ही उसका मुंह बंधा हुआ था और उसको आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल जिसका ये प्लाट है, सुबह जब यहाँ पर पहुंचा है, उसने प्लॉट में जब शव देखा तो उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हत्या की पुष्टि भी होगी और पूरे मामले की तफ्तीश की कार्यवाही भी तेज होगी। फिलहाल जिस तरीके से घटना हुई है, घटना के पीछे क्या कुछ राज है, ये खुलासे के बाद ही मालूम होगा। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, देखिए अभी बताया जा रहा है कि शव युवती का शव जो है जलाने के प्रयास किया गया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से आज ये घटना सामने आई, क्योंकि खाली प्लॉट है और वहां पर कोई सन्नाटी रोड है, क्योंकि वहां पर कोई आता जाता नहीं है। खाली प्लॉट के अंदर जिस तरीके से युवती का शव जली अवस्था में पाया गया था, क्योंकि उसका आधा शरीर जल चुका था, उसका पूरा चेहरा जल चुका था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। लेकिन इस घटना के पीछे जिस तरीके से स्थानीय लोगों की माने तो बताया ये जा रहा है कि इस युवती की हत्या करने के बाद इसके शव को ठिकाने लगाया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जांच पड़ताल किया, और पुलिस का कहना है कि आसपास की जो सीसीटीवी है या जो आईटीएमएस कैमरे हैं जो हाईवे से गांव की तरफ कटते हैं, उनको भी चेक किया जाएगा कि आखिर ये युवती पहुंची तो पहुंची कैसे यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से उस युवती के शव देखा जाता तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई घटना करके ही उसको यहां पे ला करके ठिकाने लगाए गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद इसमें कुछ जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि कई टीमें इसमें गठित की गई है जो इस मामले में पूरी जाँच पड़ताल करेगी और खुलासा करेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। बता दें कि खबर लखनऊ से है जहां पर एक अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला है। वहीं पर बताया जा रहा है कि युवती के शव को जलाने का प्रयास किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, युवती की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और उसका भाई बाल बाल बच गया। बता दें कि मृतक अपने भाई चंदन के साथ बाइक से दूध देने जा रहा था, तभी गर्रा पुल के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और भाई बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम को हटवा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के अलीगंज के गोयल चौराहे के पास कूड़े का अंबार लगा है। सामुदायिक केंद्र के पास बने कूड़े घर के बाहर कूड़े का ढेर लग गया है। कूड़ा घर होने के बावजूद भी पूरे रोड पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिस वजह से इलाके में मच्छर से होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही दुर्घटना का कारण भी बनता जा रहा है, जिस वजह से नगर निगम के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से बता दें, जहां गंदगी से फैल रही बीमारियों से लोग परेशान हैं। कूड़े घर के सामने ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे मच्छरों का पनपना और आदि बीमारियों को वो बढ़ावा दे रहा है। रोड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। खबर पीलीभीत से है, जहां एक व्यक्ति का खून से लथपथ मिला शव, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गजरौला खास निवासी घर से फार्म हाउस पर गए हुए थे। देर शाम वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं लगा, जिसके बाद ग्रामीण का शव जटपुरा नहर के पास खून से लथपथ मिला। शव मिलने से ग्रामीण दहशत में है। वहीं मौके पर पहुंची पूरनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि परिजनों द्वारा फार्म हाउस स्वामी पर 10 सालों से मजदूरी न देने पर और हत्या करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिर बाद में कई बात है ये दादा संगम का दबाने के पीछे हम छवे रहे हैं। ये तुम्हारे घर है हराम दिन बता रहे थे। बात हुई थी रात, बात हुई थी नहीं भाई, बात दादा से ना ही मोबाइल सोचा ये किसने बताया सवेरे आएंगे सवेरे कोई और इनके कहते कोई है अरे जटपुर अखबार ने फोन करो इन कहते रहे कब पता चलेगा रात ही पता चलेगा सुबह कितने बजे पता लगाओ मैं रोटी। क्या नाम है आपका? राजा राम। अच्छा क्या हुआ ऐसा, क्या मामला है ये पूरा? मामला क्या हुआ भाई, झाला पे काम कर रहे हैं, झाला पे काम कर रहे हैं, इनके तेरे फोन लगाया, इनने फोन उठाया नहीं, इन्हें आने नहीं दो, फिर बार बार फोन लगाया, शाम को 11 बजे तक फोन लगाया, सुचाप सवेरे को फिर मिला। अच्छा ये जानकारी किसने दी कि बॉडी पड़ी है वहाँ पर? जानकारी प्रधान के पास। अच्छा मौके पुलिस वगैरह आई हुई है? मौके यहाँ है नहीं, क्या बताएं मौके के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमित पाल जुड़ेंगे। अमित, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इलाके में एक लथपथ शव मिला है, खून से लथपथ शव मिला है? ये हमको बताते चले कि ये रामचंद्र नामक एक युवक किसी सरदार के इधर काम करता था, जिसके बाद में ये अपने पैसे मांगने के लिए गया, 10 महीना के पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद में अपना पेमेंट मांगने के लिए गया, जिसके बाद में परिजनों का कहना है उसी ने इसको मार के नहर की पटरी पे फेंक दिया, जिसके बताया दूसरी जगह इसको मारा गया, लेकिन यहाँ पर जो नहर की पटरी है वहाँ पे इसको इसकी लाश को फेंका गया है। ये मामला गजरौला खास का है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन ने इसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताया है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी आ जाएगी, जिसके बाद में ही पूरा मामला बताया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।